तब दिल्ली में दामिनी के घटना हुई थी, उसी समय मैंने सोच लिया था कि मैं नारी सशक्तिकरण के लिए पूरी जिंदगी लगा दूंगा, लेकिन अब देश की हर बहन बेटी को सुरक्षित देखना चाहता हूँ और मेरा ये टारगेट है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, घर बार नौकरी तक छोड़ दी, इससे बढ़कर और क्या करूँगा मैं आपके लिए बोलूँ। लेकिन उसमें आप जैसे युवाओं का मेरे को साथ चाहिएगा, तभी ये काम सही संभव हो पाएगा, नहीं तो मेरे अकेले से कुछ भी नहीं हो पाएगा। उसमें सबसे ज्यादा मेरी बहनों का मुझे सपोर्ट चाहिए, उसके बाद में देश के युवाओं में आप जैसे भैयाओं का मेरे को सपोर्ट चाहिए, तभी ये काम संभव हो पाएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पे टारगेट प्लस कोचिंग में नारी सशक्तिकरण के बारे में दो शब्द कहूंगा, जो होंगे शॉर्ट एंड स्वीट और आपके दिमाग में होंगे जल्दी फिट तथा साथ ही लगेंगे आपको सुपर हिट। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज से लगभग 20 दिन पहले ट्विंकल शर्मा की जो घटना हुई थी, शायद मेरे हिसाब से लगभग मेरे प्यारे भाई बहनों को सबको पता होगी, उसी के जस्ट 6 घंटे बाद में हमीरपुर में 10 साल की लड़की के साथ ऐसी घटना हुई थी। ट्विंकल शर्मा मात्र 2.5 साल की थी, उसको ये भी नहीं पता था कि ऐसे कभी होता भी है क्या आगे जिंदगी में, अपनी जिंदगी में ऐसी कोशिश होती भी है क्या। सही बात है, 2.5 से 3 साल की स्टूडेंट को ये पता नहीं हो पाता कि ये ऐसा काम भी होता है क्या, उसको ऐसी ऐसे दरिंदों कैसे चढ़ गए जिसकी हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो सबसे बड़ी कमी है तो मेरे नवीन साथियों हमारे जैसे युवाओं की कमी है, क्योंकि हम सब जागरूक नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं न्यूज पेपरों में डेली घटनाएं आती है, आज मोटरसाइकिल से उसके एक्सीडेंट से उसकी मौत हो गई डेली देखने को मिलती है। उन्हीं के साथ आपको ये घटनाएं भी देखने को मिलेंगी, आज उस लड़की के साथ ऐसी घटनाएं होगी, आज उस लड़की के साथ गलत हो गया, आज उस बहन बेटी का बलात्कार हो गया, डेली एक न्यूज पे आपको देखने को मिलेगी। इसलिए मेरे नवयुवक साथियों मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि जैसा कि आप अपनी बहन बेटी को इज्जत देते हो ना, उसी तरह अगर आप हर बहन बेटी को इज्जत देने लगे तो देश में देख बलात्कार अपने आप बंद हो जाएंगे। इसलिए मैं आप सभी युवाओं से भी यही आग्रह करना चाहूंगा कि अपन कहीं पे भी किसी भी लड़की के साथ यदि गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा अधिकार है। मैं ये नहीं कहता कि आप कहीं पे यदि जानकर है उसी के साथ उसी के खिलाफ आप आवाज उठाओ, क्योंकि कल को अपनी बहन भी यदि कहीं पे निकल रही है, कहीं पे आप एग्जाम देने गए, सपोज दैट एग्जाम देने गई, मान लो वहां पे आप साथ न जा पाए किसी कारणवश, वहां पे अपनी बहन के साथ कैसी कंडीशन आ सकती है। अगर आज अपन ये सोच लिए कि यार मैं इसको जानता नहीं तो मैं क्यों इसकी हेल्प करूं, तो कोई दिन अपनी बहन के साथ भी ऐसी कंडीशन होगी वहां पे वो भी ऐसे ही सोचेंगे मैं इसको जानता ही नहीं हूं, मैं क्यों इसकी हेल्प करूं। इसलिए मेरे नवयुवक साथियों कहीं पे भी किसी भी जगह अगर किसी के साथ किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ अपने को आवाज उठानी है। और मैं आप सभी युवाओं को भी यही कहना चाहूंगा, जब मैंने स्टार्ट की थी 2017 में तब मैं अकेला था और आज मेरे से लगभग 7 राज्यों में 2.5 से 3 हजार लोग जुड़े हुए हैं, 7 राज्यों में मेरी संस्था फैली हुई है। अकेला उस टाइम पे मेरे ऊपर बहुत से लोगों ने कमेंट की थी और आप भी जानते हो जॉब के अलावा अगर आप कोई काम करते हो तो उसमें लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि जब स्टडी एक ऐसी चीज है जिसमें परिवार पूरा समाज आपके साथ रहेगा, लेकिन उसके अलावा आप अगर कुछ काम करते हो उसमें आपके समाज आपके विपक्ष में रहेगा। और लेकिन जिस दिन आप इस काम को सफलता हासिल करने लग जाओगे उस दिन वो लोग भी आपको ये कहेंगे हमें पता था कुछ ना कुछ तो अलग करके दिखाएगा, और वो अब आप सबके सामने है, क्योंकि उस टाइम पे मैं अकेला था और आज मेरे 2.5 से 3 हजार वो भी 7 राज्यों में फैले हुए। जब मैंने नवंबर दिसंबर और जनवरी 3 महीने जब मैंने स्टार्ट की थी लोग मेरे को भी ये कहते थे, और मारवाड़ी में वो कहावत है ना गांव से निकलता था गांव वाले ये सीधे कमेंट करते थे मेरे पर चाले खराब होगा। सही बात है गांव वाले पर लोग मेरे पे यही कमेंट करते थे, और आज कोई लोग मेरे को ये कहते हैं माना पहली पतो की मैंने कि मैं कर दिखा लू रियल बात है मेरे भाइयों सही है। आज वो लोग ही कहते हैं क्योंकि उनको अब पता चल गया है कि ये कुछ अलग करेगा, और जो मेरे को जानता है ना जैसे मेरे गांव से यदि आप में तो कोई नहीं होगा, मैंने सब कुछ पहले मैंने क्रिकेट ज्वाइन की क्रिकेट की सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि मेरे को ये लगा कि वास्तव में इसमें कुछ है, क्योंकि उससे ज्यादा देश की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो अपना कैरियर बनाने से क्या फायदा। और किस कोई कहता मेरे को बहुत से लोगों ने ये कहा तो अपने कैरियर पे ध्यान दे, तो मैंने कहा कि आज के बाद मेरा कैरियर क्रिकेट नौकरी सब कुछ कैंसिल, मेरे लिए नारी सशक्तिकरण सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि देश में सब
क्योंकि देश में अत्याचार ऐसे बढ़ रहे हैं, देश की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है और वो कमी हम जैसे युवक साथियों की कमी है। इसलिए मैं आप सभी युवकों को जागरूक करने आया और मेरे युवा साथियों दो पंक्तियों के माध्यम से आप सभी को कहना चाहूंगा कि औरत के रूप में माँ सबको चाहिए, औरत के रूप में माँ सबको चाहिए, औरत के रूप में पत्नी सबको चाहिए, औरत के रूप में पत्नी सबको चाहिए, औरत के रूप में बहन सबको चाहिए, लेकिन जब औरत के रूप में बेटी का नाम आता है तो वो क्यों नहीं चाहिए। मेरे प्यारे नवयुवक साथियों, जिस दिन अपने को ये एक्सक्यूशन का जवाब मिल जाएगा उस दिन देख लेना देश की हर बहन बेटी सुरक्षित रहेगी, आगे बढ़ेगी। और मैं उनको कहना चाहूंगा अगर हम ऐसे ही बेटियों को मरवाते रहे तो माँ का अंचल कहाँ से लाएंगे, अगर हम ऐसे ही बेटियों को मरवाते रहे तो माँ का अंचल कहाँ से लाएंगे। अरे राखी के दिन राखी किससे बनवाएंगे, अरे राखी के दिन राखी किससे बनवाएंगे, और अपने बच्चों के लिए बहू कहाँ से लाएंगे। और अगर हम ऐसे ही बेटियों को मरवाते रहे तो नवरात्रि के दिन दोनों पर न्याय किसको जिमाएंगे, नवरात्रि के दिन दोनों पर न्याय किसको जिमाएंगे। और जो बेटा और बेटी में जो अंतर समझता है उनको भी मैं दो पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, प्यार न मिले तो रोती है बेटियां, अरे प्यार न मिले तो रोती है बेटियां, अरे बेटे देख कुल को रोशन करते हैं, अरे बेटे देख कुल को रोशन करते हैं, मगर दो दो कुलों को रोशन करती है बेटियां, मगर दो दो कुलों को रोशन करती है बेटियां। इसलिए मेरे प्यारे नवयुवक साथियों, जो भी भाई बहन मेरे साथ जुड़ना चाहता है मेरे फोरम है वो फोरम भर देना। और मैं ये नहीं कहता कि आप अपने टारगेट पे फोकस मत करो, लेकिन टारगेट जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट पे फोकस करो और साथ में आपको समाज में भी अच्छे कार्य करने हैं, जैसा कि बहुत से काम होते हैं और जैसे गांव में कहीं से जा रहे हो या शहर में कहीं जा रहे हो किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हम जैसे युवक साथियों की युवा वर्ग की जिम्मेदारी बढ़ती है। और मैं आपको एक कविता के माध्यम से भी एक कविता तैयार की थी, मैं वो भी आपको सुनाना चाहूंगा। अपने घर की इज्जत सबको प्यारी लगती है, अपने घर की इज्जत सबको प्यारी लगती है, गैरों की बहन बेटी क्यों अबला नारी लगती है, गैरों की बहन बेटी क्यों अबला नारी लगती है, दूसरों की बहन बेटी को छेड़ने में बड़ा मजा आता है, दूसरों की बहन बेटी को छेड़ने में बड़ा मजा आता है, अगर खुद की बहन बेटी के साथ यही बीते तो फिर क्यों गुस्सा आता है, अगर खुद की बहन बेटी के साथ यही बीते तो क्यों गुस्सा आता है। अपनी गर्लफ्रेंड की हर बात आपको अच्छी लगती है, अपनी गर्लफ्रेंड की हर बात आपको अच्छी लगती है, लेकिन जब बहन का कोई फ्रेंड बने तो क्यों दिल में आग लगती है, लेकिन जब बहन का कोई फ्रेंड बने तो क्यों दिल में आग लगती है, अगर किसी का बलात्कार हो जाए तो खबर गर्म लगती है, अगर किसी का बलात्कार हो जाए तो खबर गर्म लगती है, अगर खुद के साथ यही बीते तो फिर क्यों शर्म लगती है, अगर खुद के साथ यही बीते तो फिर क्यों शर्म लगती है। अरे मुझको तो हर बहन बेटी अपनी सी लगती है, मुझको तो हर बहन बेटी अपनी सी लगती है, बस घर को चलाने वाली लक्ष्मी सी लगती है, बस घर को चलाने वाली लक्ष्मी सी लगती है, अरे इज्जत तो हर घर की एक जैसी होती है, अरे इज्जत तो हर घर की एक जैसी होती है, बहन बेटी सबकी बड़ी प्यारी होती है, बहन बेटी सबकी बड़ी प्यारी होती है। जब मैंने एक बार किसी बहन से मैंने पूछा कि तेरी जिंदगी खत्म होती है तो उसने बड़ा सा प्यारा सा जवाब दिया कि मेरी जिंदगी माँ की कोख से तो शुरू होकर पिता के चरणों से गुजरकर पति की खुशियों की गलियों से होकर बच्चों को बच्चों के सपने को पूरा करने में मेरी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, मैं मेरी खुद के लिए कुछ नहीं करती, मेरी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए न्योछावर करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर इतने अत्याचार बढ़ रहे हैं कि कोई हद नहीं है। और उस समय उसमें सबसे बड़े सबसे ज्यादा अत्याचार बढ़ा रहे हैं तो हम जैसे युवा साथी बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं पे भी किसी भी साथ गलत हो रहा है उसमें बार बार कह रहा हूँ, कहीं पे भी किसी भी चाहे अनजान हो किसी भी धर्म जाति से मतलब मत रखो, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। और मैं दो पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगा, मेरे दुश्मनों ने मेरी कब्र सजा रखी थी, मेरे दुश्मनों ने मेरी कब्र सजा रखी थी, मेरे दोस्तों ने मुझे मारने की प्लानिंग बना रखी थी, मेरे दोस्त
दोस्तों ने मुझे मारने की प्लानिंग बना रखी थी, फिर भी बेधड़क निकल गया घर से मेरे दोस्तों, फिर भी बेधड़क निकल गया घर से मेरे दोस्तों, क्योंकि मेरे साथ इन बहनों की जो दुआ रखी थी, क्योंकि मेरे साथ इन बहनों की जो दुआ रखी थी। मेरे प्यारे नवीन साथियों, जो भी भाई बहन इस नारी सशक्ति